अरब न्यूज़ उर्दू में खुश आमदीद। मोज़ज़ नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से अरब दुनिया में रहने वाले तमाम तारकीन वतन जो कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन दिनों सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत में कि जब वो बाहर जाते हुए जुर्माने से डर रहे हैं और अब सऊदी हुकूमत की जानिब से एक और इकदाम के तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन के फ्लैट पर और उनके रूम्स पर छापे मारने का सिलसिला जारी है, जिसका खास मकसद यह है कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम तारकीन के जो रूम हैं उनमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। हुकाम की जानिब से एक बिल्डिंग में 95 के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया है और ये इतलात सामने आ रही हैं कि इन सब को एक बंदे की वजह से कोरोना वायरस लग गया, जिसके सबब सऊदी अरब में दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब में अब हुकाम की जानिब से सख्त तरीन इकदाम देखने को आ रहे हैं ताकि ये सिलसिला रोका जा सके। हर रोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब में सेहत के हवाले से काफ़ी संगीन सूरत हाल देखने में आ रही है। एक तो हालात, ऊपर से सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से भारी जुर्मानों का डर गैर मुल्की तारकीन वतन की ज़िंदगी अजीरन नौकर रहेगी ही है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अब जबकि मुसीबत सर पर पहुँच चुकी है, मुसाफिरों को चाहिए कि वो अपने होश और हवास को काबू में रखें और घबराएं नहीं। मुसीबत में अगर इंसान घबराए तो उसके लिए मुश्किलात डबल हो जाती हैं और वो गलत इकदाम की वजह से मजीद फंस जाता है। खुदा ताला कभी भी ऐसी मुसीबत इंसान पर नहीं डालता जिस जो वो उठाने से कासिर हो। अल्लाह ताला ने ये मुसीबत अगर भेजी है तो इसमें दुनिया की भलाई होगी और इंसानों को अपने खुदा ताला के हजूर माफ़ी मांग कर तौबा तायब होना चाहिए और एहतियाती तदाबीर को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करें ताकि खुद भी बचें और दूसरे दीगर तमाम लोगों के लिए भी आसानी का बायस बने। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम तारकीन से गुजारिश है कि जितने भी भाई वहाँ मौजूद हैं अपने कमरे, किचन और हमाम की सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर बल्दिया हर घर जाकर चेक कर रही है जिसमें सफाई ना होने वाले मकामात को उसी वक्त 5000 से लेकर 10000 रियाल तक का जुर्माना किए जाने की न्यूज़ सामने आ रही हैं। मौजूदा नाज़रीन, अरब दुनिया की अहम खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू ज़बान में आपको अहम तरीन मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।